हमने पहले ही आपको बताया है कि रेमंड लिमिटेड के संस्थापक विजयपत सिंघानिया ने अपने बेटे गौतम सिंघानिया के खिलाफ पुनर में जेके हाउस में ड्यूप्लेक्स का कब्जा लेने के लिए अदालत से संपर्क किया है, जो मलबार हिल्स स्थित 36 मंजिला इमारत है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि विजयपत किराए के घर में रह रहा है और वह हालांकि 78 साल के पूर्व कारोबारी टाइकून ने स्वयं पुष्टि की है कि वह निर्धन नहीं है और उम्मीद है वह कभी नहीं होगा। दूसरी ओर उनके बेटे गौतम ने भी अपने आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम आपको बता दें कि गौतम सिंघानिया पुत्र हैं विजयपत सिंघानिया के, जो कि ये रेमंड कंपनी के सीईओ हैं। यहाँ हम गौतम सिंघानिया के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत करते हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं जाना है। नंबर वन, गौतम सिंघानिया का पूरा नाम गौतम हरि सिंघानिया है और उनका जन्म 9 सितंबर 1965 को हुआ था। नंबर टू, उन्होंने सेंट मैरी स्कूल मुंबई और कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल में इस शिक्षा पूरी की। गौतम एक पारसी महिला नवाज मोदी सिंघानिया से कर चुके हैं और उनकी एक बेटी निहारिका है। नंबर फोर, वह रेमंड समूह के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक है और यह समूह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये रेमंड कंपनी के मालिक हैं। कामसूत्र कॉन्डोम्स एक उत्पाद भी है इनका, जो इस समूह द्वारा एएनसी लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम के तहत निर्मित है। गौतम में डीजे अकील के सहयोग से जहर नामक एक नाइट क्लब भी है, क्लब बांद्रा में है। वह वर्तमान में एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रहे हैं, जो कहा जाता है कि मुकेश अंबानी के घर एंटलिया के तुलने में 10 मंजिला इमारत ज़्यादा है। नंबर एट, गौतम तेजी से कारों, नौकाओं, विमानों और नाइट क्लबों के बारे में भावुक हैं। उनकी कारों में लैम्बोर्गिनी, गिलार्डो, निसान स्काईलाइन, जीटीआर, होंडा S2000, फरारी, इटालिया, लोटस, एलिस, बड़े इतना LP570, सुपर लागेगेरा और ऑडी Q7 शामिल है। 2012 में अनुमान के मुताबिक उनका नेट वर्थ करीब $1 अरब था, $1.4 बिलियन था। वह विटिलिगो नामक एक बीमारी से पीड़ित है जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा रंजकता का नुकसान होता है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट।